हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस आज मैं ना पढ़ रही हूँ और बाबा ने ना मतलब एकदम से वीडियो शुरू कर दी। तो हाँ, मैं बताने वाली हूँ आज पढ़ाई से रिलेटेड को स्टॉप्स मतलब टिप्स, ठीक है। तो पहला तो बात ये है कि आपको कभी रात में नहीं पढ़ना चाहिए। अभी रात नहीं हो रही, दोपहर ही हो रही है, शाम हो रही है। हाँ, मतलब दोपहर शाम के थोड़ा बीच का टाइम है ना। तो आपको उस टाइम में नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि देखो अभी तो सर्दी हो रही है। सर्दी के टाइम में जब मतलब पढ़ते हैं ना, तो हम लोगों को ना मतलब एक तरह से हवा हमें कंट्रोल में ले रही होती है, तो उससे ना हमारी तबीयत भी खराब हो सकती है। और मैं जानती हूँ काफी बच्चों के एग्जाम भी आ रहे होंगे, तो इस चीज को बहुत नोटिस रखना। रात में पढ़ाई नहीं करनी, दिन पूरा है दिन में पढ़ लो, स्कूल में पढ़ लो अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक है। चलो मैं भी अभी पढ़ रही हूँ, ठीक है। Hi friends, this is my new vlog. और अभी मेरी दीदी पढ़ रही है और अभी मैं टीवी देख रही हूँ। चलो दीदी को पढ़ते हुए देखते आओ। चलो ये है मेरी दीदी। तो हेलो गाइस, ये मेरी दादी हैं। दादी हाय कर लो। हाय। हाँ, तो ये मेरी दादी है। तो ना अभी रात हो रही है, तो उन्होंने ना मतलब ना अभी ना मोमोज लाए हैं। तो साल के आखिरी दिन में, साल के आखिरी दिन में मोमोज आ रहे हैं। तो इसका मतलब हर साल में हम लोग आखिरी दिन मोमोज नहीं खाएं, बस एक नहीं खाएं, एक ही है सबका, सबको एक चाहिए है। एक ही है, खा ले, आप भी खा लो। एक मम्मी को दे दे, एक तू खा ले, मैं खा ले। हाँ तो दादी बोल तो दो, हाय हेलो गाइस। हाय हेलो बोल दिया। और कुछ बोलो। और कैसे हो? मतलब एक क्यूट फैमिली जुड़ी है। हाँ, ये बताओ ना बातें। एक क्यूट सी छोटी छोटी मेरी पोतियाँ हैं। और कुछ बोलो। ये बहुत शरारते करती हैं, दादी का कहना नहीं मानती है। नहीं तुमने कहा बोलो तो बोल दिया ना भाई, सही बात है ना, ठीक है। सही तो बोला दादी ने, सही बोला ना मैंने। हाँ देखा, मेरी सबसे सही तो ना, एक पापा एक मम्मी होती हूँ। मम्मी पापा पीऊ और बुआ तुम्हारा भी दीदी का बुआ का भी है, अकेले अकेले खाओगे तुम? गाइस तो मेरी मम्मी भी आ चुकी है। अरे अंदर आ जाओ ना। एक बोलो ना, ये लड़कियां पोतियां मेरे लिए मोमोज भी नहीं खा रही है, तुमने एक ले लिया मेरा। आप खा लो ना, मैंने भी नहीं खाया अभी तक। खा लूंगा तेरे से। लो क्यों, फिर क्या कह रही है? मैं बुआ के अच्छे से खा ले, फिर तू ही मैं करो। तुम बुआ के अच्छे से खा लो, तुम आधा ही तो गाइस मेरे पापा है, मतलब वो पापा ही है, मैं क्या बोलूं। पापा है हमारा, छोटा सा घर है। तो अभी के लिए तो पापा ही अभी पूरे घर के हीरो है, कुछ भी हो तो पापा ही है अभी। और ये मम्मी है। बहुत शाये वाली मम्मी है। तो अभी मतलब ये पहला ही मोमोज की चटनी थी जिसको खा के ना मतलब इतनी मिर्ची लग गया, वरना कभी नहीं लगती। और मेरा फेवरेट पापा पापा का ये। मुझे लगा मिर्ची कह रहे हो। ले तो ये ले ले, मैंने ले रखा, तू ये दो खा यार। ठीक है, तीन खा रही हूँ मैं। पहले से आवाज आ रही है,
देखो आराम से निकलना। तुम क्या खा रहे हो? तो गाइस अभी ना मैं ना आपको अपनी चिड़िया मतलब अपने पेट भी दिखाने वाली हूँ। एक तरह से तो मेरी बेस्ट फ्रेंड ही है तो उसका नाम है कुकटेल। आ जाओ देखो वो रही यहाँ से दिखाता ब्लू 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 कुकटेल बाबू दिखाओ मैं दिखाऊं। ये देखो ये रही क्यूट पाई दिख रही है आपको बाबू कॉकटेल। हाँ क्या हुआ डर लग रहा है? हाँ दीदी मुझे ना बहुत डर लग रहा है। हाँ दीदी क्या हो क्या रहा है दीदी इतनी रोशनी दीदी इतनी रोशनी दीदी मेरे को डर लग रहा है। अरे चलो हटा देते हैं। तो चलो मैं इसी बात पे अपना घर का टूर भी करा देती हूँ। एक अपना बहुत ही प्यारा था होम टूर। चलो अपने यहाँ। तो गाइस मैं ना अभी रूम टूर कराने वाली हूँ। पहले ना मैंने करा तो दिया था लेकिन ना फिर ना पता चला कि हुआ ही नहीं है मतलब वीडियो ही नहीं बना तो मैं वापस से कराने वाली हूँ। कराते हैं। पहले तो ये हमारा एंट्रेंस गेट है यहाँ से शुरू होते हैं। आगे चलने के बाद ऊपर से सीढ़ियाँ हैं फिर वो साइड ना। ये हमारा किचन है जिसकी मालकिन मम्मी है पर यहाँ पे अभी कोई है नहीं फिलहाल। चलो नीचे का दिखा देते हैं। नीचे का तो आपने देख लिया होगा यहाँ पे बाथरूम है और यहाँ पे मेरे प्यारे बाल गणेश जी और मेरे प्यारे प्यारे भगवान जी का मंदिर बना है बहुत ही क्यूट सा। पहले तो हनुमान जी भी बाल गोपाल जी मैं तो कह रही हूँ उनकी नज़र ना लगे। दोस्त था ना वो भी बेचारा मर गया तो इसलिए थोड़ा सेम ही रहती है। चलो कोई बात नहीं लेकिन अब वो थोड़ी खुश है। दिख रही है आपको? दिख रही है? दिख रही है बाबू? बाबू चलो चलो बेचारी बहुत सहमी सी है। चलो अब अपना कमरा दिखाते हैं आपको। आज मतलब ऐसे कपड़े सूख रहे क्योंकि ना मतलब भाप बहुत बुरी तरह हवा चल रही थी कपड़े सूखने की क्षमता नहीं थी। ये मम्मी जा रही है बाहर और अभी ये रहा हमारा कमरा। मतलब अभी लेटेस्ट इसमें पेंट हुआ है तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे ये जो वॉल ये बनाया है ना जो भी है इसको आप रेट करना 10 में से कित मतलब कैसे लग रहे हैं अच्छे लग रहे हैं तो बताना। पापा ने पेंट करा है। हाँ तो चलो ये रहा हमारा बड़ा सा टीवी और ऊपर है हमारे बाल गणेश जी शिव जी और हमारे लड्डू गोपाल जी। चलो और हाँ ये क्रिसमस ट्री मैंने बनाया था और हाँ बहुत कैसा है इसकी भी रेटिंग करने का ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं और यहाँ पे है मेरे प्यारे राम जी यहाँ पे भी हैं ये। अब चलो बुआ का कमरा दिखाते हैं। आपको पता है ये जो डोरेमोन है ना ये मैंने बनाया ये और ये जितनी पेंटिंग्स है ना ये सारी बुआ ने बनाई है। चलो अब बुआ का कमरा दिखाते हैं। यहाँ पे मतलब अंधेरा हो रखा है फिर भी कितनी रोशनी आ रही है। देखो ये पूरा बुआ का कमरा है बड़ा सा है। यहाँ पे भी हमारे प्यारे बाल गोपाल जी हैं जयराम जी और यहाँ पे भी एक मिरर है। यो ब्रो अब बुआ का प्यारा सा मंकी पता है बुआ को ने बाबा ने गिफ्ट करा था। और चलो अभी आपको बालकनी भी दिखाऊं ठीक है बालकनी दिखाते हैं। तो गैस तो खुल गई। चलो अब दिखाते हैं आगे खुल जा सिम सिम। ये रही हमारी छोटी सी बालकनी बहुत ही क्यूट है ना यहाँ पे टाइल्स लगी हैं। हाँ पे बाथरूम है संडास। चलो ऐसे बंद करें बंद हो जा सिम सिम। अरे बंद हो गया। चलो ये रही एक भूतिया गुड़िया। चलो छोड़ो और ये रहे मेरे पापा। हाँ ठीक है
तो चलो हो गया रूम टूर। तो गाइस इसी के साथ मैं ना अपनी वीडियो भी ओवर करती हूँ क्योंकि रात बहुत हो गई है, खाना भी बन ही चुका है। और चलो अपना रूम टूर ख़त्म करती हूँ अपने प्यारे से रूम से और अपने प्यारे से एपिसोड से। देखना है दिस इज माई न्यू व्लॉग और अभी रात हो गई है और अभी मैं खाना खाने वाली हूँ और अभी यहाँ पे बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको टूर करवाने वाली हूँ, अपना पूरा घर दिखाने वाली। तो यहाँ पे टीवी चल रहा है। गाइस दिस इज माई न्यू व्लॉग और आज मैं करने वाली हूँ आपको एक जादू। चलो करो मोटी और पानी देना प्लीज। याद है 600 साल बाद